हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का तारापति विजय की फिल्म मीना लीना स्ट्रॉन्गा कैन यू फील द पावर टेरा फायर बीस के डे नंबर 4 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड डे नंबर 5 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, व्हाट अ मैसिव वीकेंड दिस हैज बीन। जो सिलसिला वेडनेसडे से शुरू हुआ अब जाकर संडे को खत्म हो रहा है। वेडनेसडे को बीस ने बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर शुरुआत की इस मैग्नानिमस हफ्ते की, एंड आज जाकर ये फिल्में जो है KGF चैप्टर 2 एंड बीस्ट वो थोड़ी शांतता पर आएगी, एंड कल से इन दोनों फिल्मों का असली पोटेंशियल पता चलेगा। देखिएगा इस बीस्ट इज नॉट एट ऑल वर्किंग इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, हिंदी में तो वॉश आउट है ये फिल्म। सिर्फ मात्र तलपति विजय के स्टारडम पे ये फिल्म तमिलनाडु में चल रही है, एंड कल वहां पर भी मैसिव फॉल जो है वो देखने मिलने वाला है। लेकिन ये मैसिव फॉल से पहले तलपति विजय ने क्या क्या किया है, ये 5 दिनों में इसकी कहानी है जो आज आपको सुनानी है, आप लोगों को कहीं नहीं जानी है। ओके, एपिसोड चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, डे 1 तलपति विजय इन तमिलनाडु मैसिव 37 करोड़ रुपीस, डे 2 18 करोड़ रुपीस, डे 3 14 करोड़ रुपीस, एंड 3 दिनों में ऑल टाइम हाईएस्ट 69 करोड़ रुपीस तमिलनाडु में बीस्ट ने कमाया। अब गाइस यहां पर डे 4 जरा सा भी ड्रॉप देखने नहीं मिला, यानी कि वो ड्रॉप्स जो रहते हैं ना बड़े वाले ड्रॉप्स, उस तरह का नहीं, मिनिमलिस्टिक ड्रॉप था। एंड फिल्म ने अपने चौथे दिन तमिलनाडु में रिकॉर्ड 13 करोड़ की कमाई की है, एंड सिर्फ मात्र 4 दिनों में 82 करोड़ का कलेक्शन किया है। तलपति रैम्पेज मोड एक्टिवेटेड, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कलेक्शन कर रही है, एंड गाइस संडे को भी सेम कलेक्शन आने की उम्मीदें हैं। यानी कि ये फिल्म 5 दिनों में केवल तमिलनाडु से ही 95 करोड़ का ग्रॉस जो है वो करके निकल जाएगी। अब गाइस बात करें वर्ल्ड वाइड, तो फर्स्ट डे 87 करोड़, सेकंड डे 34.20, थर्ड डे 23.15 करोड़, एंड गाइस 3 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 144.35 करोड़ की कमाई कर ली थी। तो आज क्या है इन स्टोर, यानी कि फोर्थ डे के ऑफिशियल फिगर में चले शुरू करते हैं। चौथे दिन तमिलनाडु में फिल्म ने 13 करोड़ का बिजनेस किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिर्फ 35 लाख, यानी कि नेट कलेक्शन सिर्फ 30 लाख, तो फिल्म इज अ वॉश आउट ओवर देयर। बात करूं कर्नाटका की तो 1 करोड़ है, केरला में सिर्फ 65 लाख है, अनदर वॉश आउट। बात करूं इंडिया की तो इंडिया में गाइस जो रॉ का वर्जन है उसके बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है, 20 लाख। आई थिंक 5 दिनों में वो फिल्म शायद 2 करोड़ टच कर जाए, रॉ नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूं। एंड इसी के साथ इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे पर बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में 15.20, लेकिन ओवरसीज फिल्म बवाल कर रही है बना भाई, बवाल इस तरह से कि चौथे दिन ऑलमोस्ट 7.60 करोड़ का ओवरसीज आया है। यस, इसमें थर्ड डे का भी थोड़ा इंक्लूडेड है, लेकिन वी कंसीडर दैट एज फोर्थ डे। तो चौथा दिन जो है इस फिल्म का वो है 22.80 करोड़, यानी कि तीसरे दिन 23.15 करोड़ कमाने के बाद चौथे दिन 22.80, फिल्म इज डूइंग एक्सेप्शनल बिजनेस इन यू नो मलेशिया, नॉर्थ अमेरिका, तमिलनाडु, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया द फिल्म इज कम्प्लीटली डन एंड डस्टेड, आई थिंक मंडे से बहुत ही कम हो जाएंगे ऐसे कलेक्शंस। तो इसी के साथ कल 144.35 करोड़ में अगर हम 22.80 करोड़ ऐड कर ले, देन ब्रेस योरसेल्फ्स गाइस, तलपति विजय की फिल्म बीस्ट ने 4 दिनों में पूरे विश्व भर में 167.15 करोड़, यस फ्रेंड्स 167.15 करोड़ की कमाई कर ली है, जो अपने आप में ही अविश्वसनीय है। अब गाइस आज ये कलेक्शन कहां जाएगा, आज भी तमिलनाडु डेफिनेटली 13-14 करोड़ आएगा, एंड वर्ल्ड वाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम रेंज में 22 से 23 करोड़ जाएंगी, क्योंकि फिल्म ना उठी है ना गिरी है, स्टैग्नेंट चल रही है। तो गाइस 5 दिनों में तलपति विजय की फिल्म बीस्ट पूरे विश्व भर में 190 करोड़ का बिजनेस कर देगी। एंड गाइस बात करो तमिलनाडु की, तमिलनाडु 5 दिन में 95 करोड़ होगा, एंड इसका लाइफ टाइम कहीं ना कहीं तमिलनाडु में 110 करोड़ पर रैप अप हो जाएगा। तो कल से ये फिल्म गिरने वाली है, शोज भी इसके कम कर दिए गए हैं, शोज ऑब्वियसली KGF को गए हैं यहां पर, एंड यस तमिलनाडु विल ऑल्सो सी अ मेजर फॉल। यानी कि तलपति विजय के स्टारडम ने उनके फैंस ने 5 दिनों तक इस फिल्म को अच्छे से संभाला, एंड उसके बाद 6th डे ये फिल्म अच्छी खासी ड्रॉप लेगी। तो कल हम मिलेंगे ऑब्वियसली इसके ऑफिशियल फिगर्स के साथ, 7 दिन तक इस फिल्म को डेफिनेटली ट्रैक करेंगे। जब तक जर्सी नहीं आती है, आई थिंक जर्सी जब रिलीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा, एंड KGF चैप्टर 2 इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी ऑल ओवर इंडिया। एंड बात करो तमिलनाडु की, तमिलनाडु में फिल्म शायद उसके बाद एक दिन में 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाते हुए चले, तो वर्ल्ड वाइड ये फिल्म कहीं ना कहीं आई थिंक 210-215 करोड़ पर रैप अप हो जाएगी। ओके गाइस, आज का ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। वेट अ मिनट,
अरे भैया कहाँ चले हो, जितने लोग ये सुनने के लिए वो जा सकते हैं, बाकी सब मस्ती कर सकते हैं मेरे साथ। ओके बात करोगे आज की, संडे स्टार्टेड वेरी नाइसली, 53% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 67% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 68% ऑक्यूपेंसी एंड रात के शोज 72% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं, यानी कि तमिलनाडु स्टिल गोइंग गुड। चेन्नई में 583 शोज है, आस्ते आस्ते शोज जो है वो कम किए जा रहे हैं। एंड बात करूँ गाइस चेन्नई में आज ऑक्यूपेंसी थी 85% की। बैंगलोर की बात करूँ 246 शोज में ओनली 32% ऑक्यूपेंसी, मदुराई 111 शोज में 72% ऑक्यूपेंसी, कोयम्बतूर ब्रिलियंट 148 में 140 शोज हाउस फुल, पौंडीचेरी 27 में 26 शोज हाउस फुल। बात करूँ सैलम में 50 शोज में 78% ऑक्यूपेंसी थी, दिंदीगुल में 26 शोज में 73% की ऑक्यूपेंसी थी। लुक एट कोच्ची, 91 शोज में 13 शोज हाउस फुल थे। बात करूँ त्रिची की, त्रिची आज भी ना बाप सेंटर फॉर बीस्ट, सीरियसली बोल रहा हूँ। आज के दिन भी त्रिची में 39 शोज हाउसफुल थे। त्रिवेंद्रम 93 शोज में 32% ऑक्यूपेंसी, मुंबई में 76 तमिल शोज है जिसमें 85% की ऑक्यूपेंसी है। संडे का दिन है, छुट्टी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, नो रेस्ट ऑफ इंडिया टोटल में ऐड कर देंगे इसको। दिल्ली एनसीआर की बात करूँ 31 शोज में 48% ऑक्यूपेंसी, विच इज रियली गुड। आई थिंक तमिलनाडु का कलेक्शन उतना ही आएगा जितना कल आया है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर ऑल इम्पोर्टेंट हिंदी वर्जन की, लेट्स सी क्या हो रहा है। तो मॉर्निंग शोज 11, आफ्टरनून शोज 23, इवनिंग शोज 45, अच्छा जम मिला है, रात के शोज 47% में चल रहे हैं। लेकिन मेरा भाई शोज ही नहीं है, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ होना जरूरी है। मुंबई में सिर्फ 42 शोज है जिसमें ऑक्यूपेंसी 40%, तो कितना लाख आएगा आप जब सोच सकते हो। दिल्ली एनसीआर में 21 शोज है जिसमें ऑक्यूपेंसी 9%, पुणे में 17 शोज है 40% की ऑक्यूपेंसी है, हार्डली पैसा आएगा। कोलकाता में 10 शोज है, सूरत में 8 है, जयपुर में 6, चंडीगढ़ में 1, भोपाल में 3, लखनऊ में 9, कानपुर में 5, वडोदरा में 8, यानी कि ये फिल्म हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं कल शायद 30 से 35 लाख कमा ले। एंड 4 दिन का जो हिंदी कलेक्शन है वो 2 करोड़ का शायद नेट आ जाएगा, एंड ग्रॉस कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ का ग्रॉस हो जाएगा। ओके गाइस, हिंदी वर्जन वॉज अ कम्प्लीट वॉशआउट, आई थिंक मंडे से इसके शोज भी नहीं बचेंगे। ओके गाइस, तो ये थी बीस्ट की कहानी, 5 दिन खत्म हो चुकी है, फिल्म को जितना कमाना था उसने बॉक्स ऑफिस में कमा लिया है। अनदर सक्सेसफुल फिल्म फॉर तलपति विजय इन तमिलनाडु, एल्सवेयर सभी जगहों पर इस फिल्म ने अच्छा खासा निराश किया है। मामर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।